नालागढ़ की ग्राम पंचायत कुंडलू के गांव चुरंगल का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से परिवार के 6 कमरे जमीन में धस रही हैं। मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, मकान कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी मदद नहीं की गई है। आपको बता दें कि यह मामला बरसात का नहीं, बल्कि पिछले साल भी बरसात के दिनों में इस परिवार के मकान को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन तब प्रशासन ने इनको कुछ दिन के लिए उनके मकान से निकालकर साथ लगते स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। तब प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनको इस मकान की जमीन के बदले दूसरी जगह पर मकान डालने के लिए सुरक्षित जगह दे दी जाएगी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी नालागढ़ प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को मकान डालने के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया है। अभी पहले भी पिछले साल भी ये चल गया था, राशि पहले भी दिखाया था, बाकी मैंने इनकी दलाल पूरी तैयारियाँ पहले भी, बाकी ये कोई गौर नहीं हुई, हूँ फिर हूँ आगे हूँ तो जमा हो गया, पहले दिखे थे अफसर ने देखा ना, पहला आए उन्होंने विश्वास ही दिता है भाई, उन्होंने किया कुछ नहीं है, बाकी मैंने हूँ तो ज्यादा हो गए, जितनी भी हूँ तो सारा ही चल पे, जितना मकान है सारा ही है। ये जो जमीन है पिछले साल भी इदा ही दिक्कत आई सू, उस टाइम भी हल्की दरार आई थी, पर इस बार ज़्यादा दिक्कत हो गई। पिछली बार सरकार ने सू आश्वासन दिता कि सू जमीन जो है 3 बिस्वे जो भी है पर बंद दवाओगे जिन्हें साढ़े 3 भाई है, लेकिन सरकार ने कुछ भी इस बार कोई सानू कोई भी मुकम्मल नहीं मिला, कुछ भी कोई फायदा नहीं सू मिला नहीं है, तो इस बार भी हूँ आए देखने कि हाँ एक मौके पर। तो मेन गल ये कि पटवारी सू गल बोलता कि थोड़े पर जमीन बहुत है, चल हूँ पटवारी भी आए भी इन्होंने एक बार दिखा दें कि साढ़े पर जमीन कही है, भी अगर असं एक सरकार से गलत वो ले रहे हैं तो सू भी इस चीज़ का पता लगी, अभी कितने भी गलत हक मंग रहे सरकार से, भी इन्हें जब भी अस इतने जाइए इन्हें यही फीडबैक होंगी कि हाँ भी थोड़े पर जमीन बहुत है, थोड़ा कोई लड़ नहीं है जमीन की, अगर ऐसी गल है तो हूँ मौके पर आए भी इन्हों एक बार दिखा दो भी हाँ कितने साढ़े पर जमीन है कि असी गलत ले रहे सरकार से। जिसके बाद परिवार का हाल जानने के लिए पूर्व विधायक नालागढ़ केएल ठाकुर पहुंचे। उनका कहना है कि यह पूरा इलाका स्लाइडिंग जोन में है, उनकी जो भी मदद होगी हम प्रशासन से करवाएंगे और पीड़ित परिवार को 3 बिस्वा जगह कहीं और दे दी जाएगी, तथा पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने सरकार से यह भी अपील की है कि इनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। पहले भी यहाँ प्रॉब्लम थी, पिछले साल भी यहाँ स्लाइडिंग आई थी पर कम थी, तो उसके बाद हम 3 लाख रुपये भी माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसे 3 रुपया फंड से लेकर यहाँ दिया था, वो डंगा भी लगा दिया पंचायत में, परंतु उसके बावजूद भी इस बार जो है इस बार सारे घर जो हैं पूरे खतरे को इंस्पेक्शन किए हमने प्रधान जी के साथ, उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधु है, 5 वार्ड मेंबर हैं, तो मुझे लगता पूरा गांव जो है वो खतरे में है, पूरा स्लाइडिंग जोन मतलब बन गया है, तो इसलिए इनकी जो भी मदद हो सकती है प्रशासन से हम करवाएंगे, प्रशासन से हम इस दिन से बात करें तहसीलदार से कोशिश करूँगा, कल तहसीलदार यहाँ आए तो ये थोड़ा आंकलन तो कर लेंगे, मुझे लगता है अब पर जिन मकानों में वो तो है ही, उसके अलावा भी दूसरे मकान भी मेरे लगता खतरे में है, तो पिछली बार भी हमने इनके कहा था इनको 3-3 बिस्वे अलाउट किया जाए ताकि ये सुरक्षित जगह पे अपना मकान बना सके, तो ये जो जहाँ जहाँ इनके केस होंगे जो पिछले केस जहाँ पड़े होंगे एक्सपेडाइट करवाएंगे, और लोगों के लिए मकान की व्यवस्था मुझे लगता करनी पड़नी है 3 बिस्वे के लिए ताकि ये सुरक्षित जगह रह सके, और इसके साथ साथ गांव कुंडलू में भी पिछले साल जो है ऐसे स्लाइडिंग आई थी उनके भी 3-3 बिस्वे का केस बनाए हैं, वो भी जल्दी अलाउट करने ये भी करवाने हैं, उनको तो वैसे भी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया था, तो यहाँ में लगता है ये भी रहने लायक नहीं है, इनको भी कहीं सुरक्षित स्थान पे प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करें इनको, जो पूरे जो अफेक्टेड जितनी भी फैमिलीज हैं ये एक तो इनको अल्टरनेटिव रहने के लिए सेफ जगह दी जाए प्रशासन को कहेंगे, और इमीडिएटली जो है
इमीडिएट रिलीफ जो हो सकता है, तरपाले हाँ तरपाले चाहे तरपाले में बनवाएंगे, तरपालों की उसका है ये सारे रिक्वायरमेंट जितना ये लॉस यही नहीं जो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है इसके तरपालों की उसका है ये सारे रिक्वायरमेंट जितना ये लॉस यही नहीं जो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है इसके अब ये है तो एक आधी बार सौ रुपये सारा मकान चला जाएगा पूरा ये पूरा डेंजर जोन में पूरा ये सोलह रूम तो चलेगा पूरा वो तो चलो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी कोई हो पूरा फैसला करेगी वो, परंतु इमिडिएटली जो लगता है इनको एक तरपार वगैरह दी जाए और इनको सुरक्षित स्थान में शिफ्ट किया जाए और अल्टरनेटिव इनके लिए तीन तीन विश्व ज़मीन का प्रबंध करके ज़मीन देख लें, ये भी देख लें और पटवारी भी इनको बताए कहाँ श्यामदास ज़मीन जो अलॉटेबल पूल की है वो कहाँ अवेलेबल है। सारा करने वाला काम हम इनके इस मुसीबत की घड़ी में पूरे परिवारों के साथ दिल से। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव फील्ड एग्जीक्यूटिव मोटर मैकेनिक और ड्राइवर शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goingmotor.com पर।